लड़की को ओपनली कहूँगी आप लोग बिगेस्ट काम में पिछले दिनों में अरे भाई साहब, तो जो हमने काम किया है इन 15 वर्षों में, खासकर उस ग्रुप को जो जब हमने काम शुरू किया था 1998 में, तब शायद वो बिल्कुल भी बच्चे थे और आज वो 15-1 साल के हो गए, तो उन्होंने शायद उस समय को देखा ही नहीं है जो 15 साल पहले के लिए, तो वी टुक दिस रूट ऑफ लेटिंग पीपल इन डेली इस तरह की और अब इस 15 साल में ऐसी बदली चलता है और अधिकांश आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली किस तरह से 15 साल की हो गई, लेकिन चिंतन और सोच यह भी था कि ठीक है बदल गई, बहुत अच्छी बदली, लेकिन अब आगे तो कुछ तो मैं आज आपको क्या भविष्य में हम करने जा रहे हैं। हमने इंतजार किया कि और अन्य पार्टी का अपने मैनिफेस्टो लगा दे दिल्ली के लिए ऐसे पोजिशन बुक चाहिए। वी वुड लाइक टू कंटिन्यू द वर्क दैट वी हैव डन, दिल्ली स्टडीली आगे बढ़ती गई है, सोशल सेक्टर में भी, इंक्लूसिव ग्रोथ में भी, इकोनॉमी में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर सबको दिखाई देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है वो दिल्ली की आउटस्टैंडिंग रही है, ऑल इंडिया ग्रोथ हैज बीन 8.33%, दिल्ली ज्यादा जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी है और हम उम्मीद ये करते हैं कि दिल्ली की जीडीपी इन कारणों से डबल हो जाएगी एंड वी विल मेक दिल्ली इंटू नॉलेज एंड सर्विस बेस्ड बिगेस्ट सेंटर इन एंटायर वर्ल्ड। हमने एनसीआर को एक कॉमन इकोनॉमिक जोन और डेवलपमेंट जोन बनाने की सलाह दी है, इसको हम परस्यू भी करेंगे क्योंकि एनसीआर का एक बोर्ड है आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो बोर्ड जिससे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सो दैट दिस इंटायर एनसीआर रीजन बिकम्स हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो अभी सबका साकार नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इस सपने को साकार इसका फायदा उठा रही है, बट इस लाडली को अब हम काबिल लाडली बनाना चाहते हैं, आगे निकालना चाहते हैं, जिसमें वो कुछ हुनर पा सके, कुछ ट्रेनिंग कर सके, अच्छी एजुकेशन हायर एजुकेशन दे सके, तो उसकी जो काबिलियत है वो और बढ़े और वो अपने पैरों पर सक्षम होकर खड़ी हो सके। आप सब लोग जानते हैं कि भागीदारी कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में चलता है और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे रेकग्नाइज किया है एज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑफ सोशलियल डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं कि आपको और मुझे अधिकार या कहने वोट डाल दिया, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस इंटरेक्शन विद द पीपल सो दैट उनकी क्या डिमांड्स है, किस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी की क्या जरूरत है उसका हमें मालूम रहे, जिसके दिल्ली की गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर हम निर्भर कर सके। मुस्कुरा रही हूँ सर्विस, पुलिस इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, आई एम टोल बड़ी अच्छी तरह से निगरानी करती जा रही है, तो ये पुलिस की तरह वी हैव बीन सेइंग दिस फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, वी हैव बीन कमिंग आउट द फिगर्स व्हेन आवर गवर्नमेंट इज ब्रेकिंग द कोड ऑफ कॉन्डक्ट वी हैव ब्रॉट अप, बट इफ यू चूज नॉट टू लिसन मैम मोदी जिस तरह से दावा कर रहे हैं दिल्ली में, उसी तरह केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं, कई तरह के सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं, करप्शन का सवाल सबसे ज्यादा केजरीवाल ने उठाया है, आपको नहीं लगता है कि उनको रिप्लाई करना भी जरूरी है? बार बार कहा है और आज मैं बड़ी जोर से कह रही हूं,
सी डब्ल्यू जी का करप्शन की बात की जाती है, सी एच जी की रिपोर्ट आई, शुरू कमेटी की रिपोर्ट आई, उसका कुछ टिप्पणियां थी, जो टिप्पणियों का जवाब दिया गया और किसी के ऊपर कोई किस्म का न आरोप स्टैब्लिश हुआ और न किसी को दंड दिया गया। नो बॉडी ऑफ कोर्ट, नो मिनिस्टर, नो ऑफिसर, दोज हु आर फाउंड गिल्टी वाज कंडेम्ड बाय द जेल एंड देयर केसेस आर गोइंग। देयर बी वन केस व्हिच इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। आप बोलते चले जाएंगे करप्शन और हम मानते चले जाएंगे। एक हद होती है इंसानियत की। मैम किसी का मैं अपना मुकाबला मोदी साहब से लेकर थी, वो तो भैया प्रधानमंत्री बनने वाले लेकिन मैम आपको एंड अदर ऑल्सो गोज अराउंड मिस्टर महिला मेरा लीडर सुबह बट मैम इन द लास्ट मोमेंट प्राइम मिनिस्टर मैंने आपसे बोला ना कि मैं उनके अपने सर्वेज हूँ, तो जो सर्वेज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ मिस्टर तिवारी। 5 बजे में मैं शिव कुमार तिवारी नई दिल्ली विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नॉमिनेशन किया था और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चूंकि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मैं जगह जगह गया अपने कैंपेनिंग में लेकिन लोगों ने मुझे जो चीजें बताई तो मुझे खुद को डर लगे क्योंकि लोगों ने कहा कि जो हम लोग इस पहले दिन जो स्पीच दिए थे मिशन के दौरान उसमें मैंने दिया था कि आपके लोगों ने पूछा मुझे कि आप